हाय, सो ये एक स्पेसिफिक वीडियो है क्योंकि आप में से एक कमेंट आया और मैंने कहा ना कि कमेंट का जवाब करने से ज़्यादा मुझे अच्छा लगा कि वाई शुडंट आई एक्चुअली मेक अ वीडियो। उस कमेंट वाले ने भी यही कहा था कि सर आप वीडियो बनाइएगा, इट इज़ द स्पेशल केस ऑफ कि क्यों अभी से स्टार्ट हो गया आपके पास SMS आना कि साउथ की डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ में बहुत नेगोशिएशन होती है, पैकेजेस बनते हैं, कट ऑफ जनरली बहुत कम होती है, तो ऐसा क्या माजरा है? तो वंस अगेन देखिए, तो ये बड़ा गलत है कि साउथ को एक तराजू में तोलना। तो साउथ इंडिया में 5 स्टेट्स हैं और मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो 51 कॉलेजेस हैं जो MCC काउंसलिंग के अंदर आते हैं, 51 प्राइवेट कॉलेज, तो क्योंकि उसके अलावा भी बहुत सारी डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं इंडिया में, आपको पहली बात तो चीज़ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। अब ये जो 51 कॉलेजेस हैं, वैसे अब अमृता फरीदाबाद मिला के 52 हो गए हैं, 52 कॉलेजेस हैं, इसमें मेजॉरिटी जो है वो 3 स्टेट्स में है, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, ठीक है, एक्चुअली 4 और पौंडीचेरी अगर आप उसको सेपरेट स्टेट या UT मान लें। जी हाँ, तो पौंडीचेरी जैसे छोटी सी जगह में 4 MCC डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ हैं और पूरे हरियाणा में 2, मतलब पंजाब में 0, हिमाचल में 0, राजस्थान में 0, गुजरात में 1, मध्य प्रदेश में 0, उड़ीसा में 2, बंगाल में 0, बिहार में 0, उत्तर प्रदेश में 1, नॉर्थ ईस्ट पूरे में 0, झारखंड में 1, टाटा जमशेदपुर, पूरे आंध्र प्रदेश में 1, गीतम, तेलंगाना में 0, ठीक है। तो जो 52 में से जो मेजॉरिटी बस्ती हैं वो 3 स्टेट में है, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पौंडीचेरी, चार केरल में भी एक ही अमृता कोची, और इनमें से कोई आपको पैकेज नहीं देता, ठीक, सबकी सीटें झाँझ जोड़ के आराम से भरती हैं। DY पाटिल जिसका पैकेज 1.7 करोड़ जाता है, उसकी भी सारी सीटें अपने आप भर जाती हैं, उन्हें किसी को डिस्काउंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। सीधी सी बात है सर, डिमांड सप्लाई, तो एक्चुअली हुआ क्या है, स्पेशली जो तमिलनाडु और पौंडीचेरी का रीजन है इसे बहुत सारी सीटें हैं, तो पौंडीचेरी में 4 तो MCC डीम यूनिवर्सिटीज़ हैं और 4 प्राइवेट कॉलेजेस भी हैं पौंडीचेरी में और 2 जिम्मर भी हैं। जस्ट इमेजिन, छोटा सा पौंडीचेरी, 10 मेडिकल कॉलेजेस, और तभी क्वालिटी इज़ हाईली क्वेश्चनेबल, क्योंकि पेशेंट्स जिनके पास जिपमर है, देखिए शानदार मौसम, पौंडीचेरी का वेदर, 2-2 जिपमर की ब्रांच, जो कि इंडिया का टॉप सरकारी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल है, तो पौंडीचेरी के रहने वालों को किसी प्राइवेट अस्पताल में जाने की क्या जरूरत है। और वहाँ पर 4 पौंडीचेरी स्टेट प्राइवेट कॉलेज हैं, 4 MCC वाले डीम्ड प्राइवेट कॉलेज हैं, 8 हो गए, तो ओवर सप्लाई है जी पौंडीचेरी में। और जो ये जो 4 आते हैं MCC के अंदर, फेमस महात्मा गांधी, आरू पड्डू, श्री लक्ष्मी नारायण और विनायक मिशन। अब आ जाओ तमिलनाडु पे, तमिलनाडु में भी ना स्टेट मेडिकल कॉलेज बहुत सारे हैं, बहुत प्राइवेट एंड सरकारी। तमिलनाडु एक्चुअली हैज़ गॉट द सेकंड हाईएस्ट नंबर ऑफ MBBS सीट्स, मतलब जो ये टोटल हम 110,000 सीट्स की बात करते हैं, तो बहुत तमिलनाडु एंड कर्नाटका हैव क्रॉस्ड 10,000 सीट्स। तो तमिलनाडु के बच्चे, मैं फिर से कहता हूँ, क्योंकि सबको पता है कि तमिलनाडु और केरला ही 2 स्टेट्स हैं जहाँ लैंग्वेज फूड को लेकर मेजर इशू है, मेरे वीडियोस देख देख कर आप सीखे हैं। तो शायद अगर तमिलनाडु तमिलनाडु ना हो के गुजरात होता इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज एंड फूड, क्योंकि देखिए पैसा देने वाले तो नॉर्थ इंडिया में है, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के, गुजराती, लेकिन वो चाहते तो वही है ना कि सेम कल्चर में जाएं, तो वो उनकी फर्स्ट चॉइस रहती है महाराष्ट्र जाना, जब उन्हें अपने स्टेट में नहीं मिलता, DY पाटिल, कृष्णा कराड़, भादवे रिपीट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इफ़ यू आर रिच गए फ्रॉम बिहार ऑल्सो, आप फिर जाना चाहते हो बाहर, महाराष्ट्र जाओगे तो महाराष्ट्र की सीटें भर जाती हैं। तो तमिलनाडु बींग तमिलनाडु, तो उनको डिसएडवांटेज है लैंग्वेज और फूड की, और चूँकि कस्टमर क्लाइंट या स्टूडेंट तो नॉर्थ इंडिया से जाने हैं ना, तो जो इतने सारे स्टेट हैं इंडिया में स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ, जहाँ पर शॉर्टेज है सीट्स की, हम कई बार बात कर रहे हैं कि इस साल तो 250 के नीचे शायद सीट ही अवेलेबल नहीं है एट रीजनेबल बजट, तो फिर वो बच्चे क्या करते हैं, फर्स्ट चॉइस तो नहीं होती जाने की। और तमिलनाडु में, तमिलनाडु लोकल बच्चों के लिए इट्स ओवर सप्लाई ऑफ सीट्स, ठीक है, मतलब वहाँ पर जो भी डॉक्टर बनना चाहता है उसको बहुत सरकारी ऑप्शन है, बहुत प्राइवेट ऑप्शन है, ठीक है, उसके बाद ही बच्चे बच जाते हैं, लेकिन ठीक है फिर फीस बहुत महंगी है, वो दूसरे कोर्सेज में चले जाते हैं। तो तमिलनाडु वालों ने क्या कर रखा है, अब तमिलनाडु के अंदर भी जैसे 2 SRM मेडिकल कॉलेज और श्री रामचंद्रा तो टॉप क्लास है, वेरी फ्रेंकली एक बालाजी कॉलेज है श्री बालाजी चेन्नई में, एक चेतीनाथ है, एक्सीलेंट कॉलेजेस, चेतीनाथ कांचीपुरम, तो इनमें भी कट ऑफ नीचे जाती है, क्योंकि पैकेजेस जो है ना, अब चेतीनाथ का पैकेज 1,36,00,000 है,
श्री बालाजी का पैकेज 1,20,00,000 है, तो यहाँ पर कौन जाता है? नॉर्थ इंडिया के सताए हुए, मतलब या नॉर्थ और वेस्ट इंडिया के, जिन्हें कोई सीट नहीं मिली। इसलिए दोनों ही कॉलेजेस में जो कट ऑफ आपको मिलेगी वो बहुत नीचे मिलेगी। कॉलेज बहुत अच्छे हैं, तो मैंने कहा अगर मैं तमिलनाडु के इन कॉलेज की बात करूँ तो श्री रामचंद्रा हो गया, या SRM हो गया, या बालाजी हो गया, और चेटीनाड हो गया। अगर हम बात करें तमिलनाडु एड्रेस की, ऑल आर वेरी गुड कॉलेजेस, लेकिन जैसा मैंने कहा वेरी हैवी पैकेज। क्योंकि फिर से नॉर्थ इंडिया में अगर आपके 200 नंबर भी हैं तो 225 करके पैकेज में तो आप मध्य प्रदेश के अंदर सीट ले सकते हैं, आप राजस्थान के सीटें ले सकते हैं, उदयपुर वगैरह की। तो जिनको वो भी नहीं मिलती वो जाके फिर जहाँ जाते हैं। ठीक, अब इन चार के अलावा तो आप जब भी आपको SMS आएंगे आप मुझे आज लिखवा लो, कोई भी आपको SRM श्री रामचंद्रा, श्री बालाजी या चेतीनाथ का नहीं आएगा, क्योंकि इनकी कैलकुलेशन भी आज तक चल रही है कि इनकी सीटें भरी जाती हैं। पौंडीचेरी में भी आपको MGM का नहीं आएगा, उसकी सीटें ना भरी जाती हैं जो महात्मा गांधी के नाम से है। अब जो पौंडीचेरी के बाकी तीन कॉलेज, जैसा मैंने कहा आरापाडू, श्री लक्ष्मी नारायण और विनायक मिशन, हैवी पैकेज उन्होंने बना रखे हैं, MRP फीस बहुत ज़्यादा रखी हुई है, और तमिलनाडु के भारत, ACS, विनायक मिशन, वेल्स, श्री ललित मंगलाय और श्री सत्यासाई, अब ये 6 और पौंडीचेरी के 3, 9, तो ये 9 और 10 कॉलेज हैं जिनके पास बहुत सीटें रहती हैं, जिन्होंने अपनी MRP फीस बहुत हाई रखी हुई है। तो इनमें से किसी का पैकेज भी 1 करोड़ के नीछे नहीं है, किसी का भी, एक आध को छोड़ के जो विनायक मिशन सेलम में है, बट सब ने जो अपना पैकेज रखा हुआ है वो भयंकर रखा हुआ है। तो भाई सीटें कैसे भरेंगी? तो इसीलिए इनके ओनर को डर लगा रहता है कि हम लास्ट में खाली ना रह जाएं। तो ये राउंड 1 और राउंड 2 में आपको ऑप्शंस देते हैं कि अभी आके आप बुक कर लोगे थ्रू कंसल्टेंट्स लाइक अस, तो आपको हम 10-15 लाख का डिस्काउंट भी दे देंगे, तो आपका जो ओवरऑल पैकेज है वो 1 crore का बना देंगे। तो फिर जिसको लगता है कि भाई मुझे दूसरी सीट नहीं मिलेगी, 1 crore में मेरा काम हो रहा है, तो वो वहाँ चला जाता है। ठीक है, और फिर लास्ट जैसे जब राउंड 4 आता है और उनको लगता है कि हमारी सीटें भर रही हैं, फिर वो डिस्काउंट बंद भी हो जाता है। तो ये मैं हमेशा कहता हूँ प्राइवेट मेडिकल सीट स्पेशली बियॉन्ड कस्तूरबाज एंड अमृतास, मतलब मैं सबके बात नहीं करूँ, पर 320 अगर प्राइवेट कॉलेज हैं तो ज़्यादा नहीं, शायद 40 से करीब कॉलेज ऐसे होते हैं जिन्हें टेंशन रहती है हमारी सीट भरेगी नहीं भरेगी। उसमें कुछ बंगाल के होते हैं, 40 भी शायद मैं ज़्यादा बोल गया, 30 कॉलेज ही होंगे राजस्थान के होते हैं, क्योंकि राजस्थान की वो समस्या है ना कि वो आउटसाइड राजस्थान के राउंड 3 में खुलता है और फीस उसकी पूरी है। देखिए लोग कहते हैं सर राजस्थान क्लोज स्टेट है, तो पंजाब भी तो है, गुजरात भी तो है, उड़ीसा भी तो है। सबसे बड़ा फ़र्क क्या है ना कि पंजाब क्लोज स्टेट है सिर्फ पंजाबियों के लिए, लेकिन वहाँ पर तो फीस 11 लाख रुपए पर ईयर है ना, 4 लाख और 11 लाख। गुजरात में हाईली सब्सिडाइज्ड है, उड़ीसा में सब्सिडाइज्ड है, जो वो हाईटेक है दो कॉलेज, लेकिन राजस्थान एक मात्र स्टेट है जो कहने को तो आपने राजस्थानियों को 2 राउंड तक का वो दे दिया बेनिफिट, बट फीसें रखी हुई हैं 20 लाख साल से ऊपर। तो इतने तो राजस्थान में अमीर है ही नहीं ना कि 20-25 लाख की सीट ले लें। तो राजस्थान के 9 कॉलेज अदर देन MGM की सेकेंड राउंड के बाद मोर देन 50% सीट सर हमेशा खाली, तो उनको टेंशन रहती है ना कि पता नहीं क्या हो जाए और हमारी सीटें खाली चली जाएँ। तो आपको अक्सर राजस्थानी कॉलेजों में से आवाज़ आएगी कि भाई बुकिंग करा लो, सीट कंफर्म कर लो। आपको मध्य प्रदेश की NRI सीट के लिए आएगी, आपको कर्नाटक और महाराष्ट्र की महंगी सीट के लिए आएगी, क्यों कोटा के लिए 11 लाख की फीस के लिए कोई नहीं आएगी। ठीक है, केरल में सब सस्ता कुछ नहीं आएगा, तमिलनाडु के स्टेट प्राइवेट में नहीं आएगा, आंध्रा तेलंगाना के स्टेट प्राइवेट में नहीं आएगा, महाराष्ट्र की स्टेट प्राइवेट सीट्स के लिए नहीं आएगा अदर देन IQ कोटा, महाराष्ट्र की सीट डीम्ड के लिए नहीं आएगा, अमृता कोचे के लिए नहीं आएगा, कर्नाटका की सीट डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए नहीं आएगा पैकेज अदर देन NRI सीट्स। नॉर्थ में तो कहीं नहीं आएगा अब ये डिस्काउंट अदर देन राजस्थान बिकॉज ऑफ दैट रूल। तो बस मिला के भाई राजस्थान के 9 कॉलेज, कर्नाटक और महाराष्ट्र की IQ कोटा वाली सीट्स, बंगाल के कुछ कॉलेज जिनको टेंशन रहती है हमारी सीट नहीं भरेगी, बिहार के कुछ कॉलेज, और तमिलनाडु और पौंडीचेरी की MCC वाले डीम्ड यूनिवर्सिटीज़। तो ये कुछ 35-40 कॉलेजेस हैं जहाँ पर इनको टेंशन है कि सीट नहीं भरेगी। तो कहीं पर बुकिंग चलती है, कहीं पर प्री बुकिंग चलती है, NRI सीट में फ़ीस बहुत ज़्यादा है, तो दे विल लाइक टू हैव कस्टमर्स फॉर देयर सीट्स, और ये सब इस समय आप सुनोगे देखोगे, वही जो एजेंट होंगे वो आपको कॉल कर रहे होंगे। और ध्यान आपको ये रखना है कि एंगेज विद समबडी जिसकी जुबान की कीमत हो,
तो ये भी हो सकता है कि आज आपको वन सीआर प्रॉमिस किया जाए लेकिन अल्टीमेटली आप पूरी ही फीस दे रहे हो, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो आपके एग्रीमेंट हैं वो फुल प्रूफ हो डिस्काउंट वाला, और वो जो आपके बीच का मीडिएटर है उसकी ज़ुबान कितनी कीमत हो कि वो अपने वादे को पूरा रखवा सके। ओके, तो दिस इज़ फॉर यू। इफ़ यू वॉन्ट टू कॉन्टैक्ट अस, यू नो अवर नंबर 9643362320। यही नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। बट वेन समबडी कॉल्स अस, यू नो कि वी टॉक ओनली बाय टेकिंग फी। तो आपके लिए फ्री की नॉलेज सारी इस यू चैनल पे है। आप पुराने वीडियोस को देखिए, ब्राउज कीजिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ मिल जाएंगी, सटीक जानकारियाँ मिल जाएंगी। तो आप बहुत हेल्प होगी आपको उससे अपनी MBBS सीट लेने में, बोथ इंडिया एंड अब्रॉड। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।